अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया को भारत की ताकत का पता चला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 25 साल पहले जब भारत आतंकवाद की बात करता था तो किसी को समझ नहीं आता था, आज आतंकवादियों ने ही समझा दिया है। आज प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मीरा कुमार को लेकर सुषमा स्वराज के वीडियो ट्वीट पर विपक्ष का पलटवार। सुरक्षा एजेंसियों ने LOC अंतर्राष्ट्रीय सीमा और श्रीनगर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट किया जारी। कश्मीर के पुलवामा में अलगाववादियों ने ईद के मौके पर आतंकी हाफिज सईद सईद सलाउद्दीन बुरान वानी के समर्थन में पोस्टर लगाए। देशभर में आज आपसी भाईचारे का त्योहार ईद धूमधाम से मनाई जा रही है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में ट्रेन हत्याकांड में विरोध में खंडावली गांव के लोगों ने काली पट्टी बांधकर ईद मनाई। हरियाणा के झज्जर में बच्चे के नामकरण समारोह में मामूली कहासुनी पर फायरिंग में दो की मौत दो घायल। अजमेर पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर 5 लड़कियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नहाने गए युवक की डूबने से मौत। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दो बदमाशों ने बुजुर्ग को गोली मारकर घायल कर दिया। दिल्ली पुलिस ने विमल भट्ट नाम के एक फर्जी IPS ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। मुंबई के देवकुंड वाटरफॉल्स में फंसे 55 छात्रों को रेस्क्यू कर सही सलामत बाहर निकाला गया। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज को 105 रन से हराकर भारत 5 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे। पाकिस्तान के बहावलपुर में तेल टैंकर में लगी आग से जलकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 153 हुई। ब्राजील की राजधानी साओ पोलो में स्केटबोर्ड रैली के एक संकी ने लोगों के ऊपर कार तोड़ाई। अमेरिका में रोपवे पर लटके युवक को भीड़ ने कैच कर बचाया। अभिनेता अर्जुन कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म मुबारका की टीम के साथ केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, मैं आपके साथ पायल भुयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत संयम बरतता है लेकिन जरूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल करना भी जानता है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दुनिया के नियमों का पालन करते हुए अपनी सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने की क्षमता रखते हैं और दुनिया हमें कभी भी रोक नहीं सकती है। यही नहीं, उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि उनकी 3 साल की सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा है। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती, विश्व हमारा जवाब मांगता, दुनिया में हमारी आलोचना होती। लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। जिनको भुगतना पड़ा उनकी बात अलग है,
और इसलिए कि हम दुनिया को यह समझाने में सफल हुए हैं कि आतंकवाद का वो कौन सा रूप है जो भारत के सामान्य जीवन को तबाह कर रहा है। हम विश्व को समझाने में सफल हुए। आज विश्व आतंकवाद से परेशान है। यह आतंकवाद मानव जात के ऊपर दुश्मन है। विश्व के कई देश जब भारत आतंकवाद की बात बताता था आज से 20-25 साल पहले उनके गले नहीं उतरता था। विश्व के लोगों को लगता है ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने भुगता नहीं था, अनुभव नहीं किया था। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। मैं आज सर झुका करके बड़ी नम्रता से ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने 3 साल में जो भी कार्यकाल किया बिताया है अब तक इस सरकार पर एक भी दाग नहीं लगा है। और सरकार चलाने के तरीके में भी इनबिल्ट व्यवस्थाओं को ऐसा विकसित करने का प्रयास हो रहा है ताकि ईमानदारी इस सहज प्रक्रिया भी हो, वरना ऐसा नहीं कि विजिलेंस बार बार करेंगे तभी ये चीजें चलती रहे। टेक्नोलॉजी उसमें बहुत बड़ा रोल कर रही है। टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी आती है, लीडरशिप और गवर्नेंस के उसूलों के कारण इंटीग्रिटी आती है। अमेरिका में ही आज सबसे बड़ी एक मुलाकात भी होने जा रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। 3 दिन की अमेरिकी यात्रा पर आज प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में डिनर का आयोजन किया गया है। ये पहला मौका है जब ट्रंप प्रशासन में किसी प्रधानमंत्री के लिए डिनर रखा गया है। भारतीय समय के मुताबिक ये मुलाकात देर रात 1 बजे होगी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद हालांकि प्रधानमंत्री मोदी उनसे 3 बार फोन पर बात कर चुके हैं लेकिन दोनों नेता आमने सामने पहली बार मिलेंगे।